लॉकडाउन होने से पूरी दुनिया जहां खड़ी है वहीं रुक चुकी है। ऐसे में बेसहारा, जरूरतमंद और भूखमरी की नौबत आ पड़ी है। ऐसे में बड़ा ताजबाग परिसर के नौजवानों द्वारा जरूरतमंदों को अनाज का वितरण किया गया। डालते हैं एक नजर। कोरोना वायरस ने भले ही सबको अपनी दहशत में रखा हो, लेकिन इस शहर में गरीब जरूरतमंद लोग कितने हैं जो भूखे पैसे रहते हैं, इसका हिसाब भी इस महामारी द्वारा दिया जा रहा है। जब से कोरोना महामारी हो चुकी है, तब से लेकर आज तक कई स्वयंसेवी संस्थाएं भूखे, बेसहारा और जरूरतमंदों को खाना खिला रही है। कहीं मास्क और सैनिटाइजर दिया जा रहा है, तो वहीं बड़ा ताजबाग परिसर के नौजवानों द्वारा बेसहारा जरूरतमंदों को अनाज का वितरण किया जा रहा है। मेरा नाम मोहम्मद अमीन ताजी है। मैं खुद्दाम में दरबार ताजुल औलिया से खादिम हूँ और ये खुद्दाम चैरिटेबल ट्रस्ट की निगरानी के अंदर में हम लोग ये काम कर रहे हैं। जब से लॉकडाउन चालू हुआ है, जो नागपुर शहर के अंदर में कोरोना का जो मामला चल रहा है, इसके अंदर में रोज़ कमाने खाने वाले गरीब लोग और मांगने वाले जो दरबार शरीफ का लंगर खाना बंद करके रखा है एमजी कुबड़े ने, तब से हम यहाँ पर मेहमान जो सराय में ठहरे हुए, जो लोग इधर उधर से आए हुए, इनके हम लोग सेवा कर रहे हैं और ये हमारा कंटिन्यू सुबह और शाम दो टाइम हमारा लंगर चालू है। और इसके अंदर में हमारे जितने नौजवान लड़के हैं ताजाबाद परिसर के, ये लोग तन मन धन से इसके अंदर में सेवा दे रहे हैं। और सभी नागपुर वासियों से निवेदन करते हैं कि आप अपने अपने घरों में रहें और जिस किसी को भी लंगर की सेवा अगर लगती है तो हमारे कमेटी के जो व्हाट्सएप पर नंबर दिया हुआ है उस पर कॉल करें। मैं आप लोगों से एक विनती, एक अपील करना चाहता हूँ कि ये जो महामारी जो चल रही है हमारे देश के अंदर में, कृपया करके आप लोग अपने अपने घरों में रहें, बाहर ना निकले। आप अगर अंदर रहते हैं तो आपका परिवार सुरक्षित है। हम दिन में से लोगों के 1200 से लेके 1500 लोगों को हम खाना पुराते हैं एक टाइम का, ऐसे सुबह और शाम दोनों टाइम 3000 लोग हमारे यहाँ पर, हमारे यहाँ से खाना उनको मुहैया करवाया जाता है। हमारी जो है पूरी हजरत बाबा ताजुद्दीन चैरिटेबल ट्रस्ट, इनके माध्यम से पूरी यहाँ पे सेवा दी जा रही है। देखिए, जिस तरह अभी आप लोग सब देख रहे हैं कि पूरे दुनिया में जो माहौल चल रहा है अभी कोरोना वायरस का, उसमें लोग तो हम जो बीमारी से परेशान हैं, लेकिन जो गरीब कस्बे के लोग जो है वो भी बहुत ज़्यादा परेशान है भूख से, उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही है। तो आप लोग भी उन लोग का ख्याल रखें, आपकी पड़ोस में आपके आजू बाजू ऐसे लोग हों जो समझे इस भूख से और खाने पीने से परेशान है, उनकी हेल्प कीजिए और अपने घर में रहिए, सेफ रहिए। कोरोना वायरस ने शहर में कितने भूखमरी और कितने ज़रूरतमंद और कितने बेसहारा लोग हैं ये बात तो सामने में ला दी है, जिसके चलते अब कई ऐसे स्वयंसेवी संस्थान हैं जो ऐसे जरूरतमंदों, भूखे और बेसहारों को अनाज देते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ा ताजबाग में इसी बड़ा ताजबाग के कुछ नौजवानों ने भी ऐसे भूखे, बेसहारा जरूरतमंदों को अनाज का वितरण किया है। बड़ा ताजबाग से कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागड़े के साथ संजय मीरे, INBCN न्यूज़।